फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न डिजाइन है। इसे आप लेडीज कार्डिगन में डालिए या जेंट्स स्वेटर में, बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा फ्रेंड्स। और 8 रो की ये डिजाइन है और ये 6 के मल्टीपल फ्रेंड्स बनेगा। प्लस 2 फंदे हमने साइड के ऐड स्टिच लिए हुए हैं और सब मिलाकर हमने ये 20 फंदे लिए हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको ये डिजाइन बताते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड देखिए, ये राइट साइड है और राइट साइड से ही डिजाइन स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो आपको ये डिजाइन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे। अगर आप बुनाई करते हो तो बुनाई कर सकते हैं। इसके बाद 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। डिजाइन पैटर्न स्टार्ट हो गया है 6 फंदों में, तो हमने 1 साइड का ऐड स्टिच लिया है और देखिए डिजाइन पैटर्न का फर्स्ट फंदा हमने सीधा बुना है। इसके बाद इस 3 फंदे में देखिए, जो हमारा 1 2 3 3 फंदा, जो थर्ड फंदा हमारा है, इसे हम इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे स्लिप करेंगे। देखिए, ऐसे हमने स्लिप किया और फिर देखिए हमने फर्स्ट फंदा बुनाई किया। इसके बाद ऊन के धागे को लपेटा, जाली डाला हमने, जाली वाला फंदा, इसके बाद 1 फंदा। तो हमारे ये 3 के 3 फंदे हो गए। जो हमने यहाँ पर स्लिप किया था उसे हमने यहाँ जाली द्वारा बढ़ा लिया है। तो हमारा देखिए 1 साइड का ऐड स्टिच है, 1 2 3 4, और देखिए 2 फंदे हम सीधा बुनाई करेंगे। तो यही हमारा जो है 6 पैटर्न रिपीट करते जाना है। देखिए, नेक्स्ट 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये थर्ड फंदा हम 2 फंदों के ऊपर से स्लिप करेंगे, इसके बाद 1 फंदा नीटिंग करेंगे, जाली वाला फंदा डालेंगे और फिर 1 फंदा नीटिंग करेंगे, इसके बाद 2 फंदे हम नीटिंग कर लेंगे। अगेन इसी पैटर्न को हमें यहाँ 6 फंदों में रिपीट करना है। तो 1 फंदा सीधा बुनेंगे, थर्ड फंदे को 2 फंदों के ऊपर से स्लिप करेंगे और देखिए 1 फंदा बुनाई करेंगे, जाली वाला फंदा डालेंगे, फिर 1 फंदा बुनाई करेंगे, 2 फंदे हमारे ये सीधे बुने जाएंगे और 1 फंदा साइड का ऐड स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा रो 1 कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारा थर्ड रो है, सॉरी सेकंड रो है, रॉन्ग साइड है, तो हम इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये थर्ड रो है राइट साइड। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब देखिए हमारा ये जो 2 फंदा है, 2 फंदों का हम फ्रंट साइड से ऐसे सिलाई को फ्रंट साइड से ऐसे लेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे और जाली वाला फंदा डालेंगे। आगे 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, इसके बाद जाली वाला फंदा डालेंगे। अब देखिए 1 2 2 फंदों को हम सीधा करेंगे और बैक साइड से इसे हम 2 का 1 करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए 1 साइड का ऐड स्टिच है, 1 2 3 4 5 6 6 फंदे के हमारे पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी पैटर्न को हमें अगेन रिपीट करेंगे। देखिए 2 फंदों का 1 करेंगे, फ्रंट साइड से ध्यान में रखिएगा, इसके बाद जाली वाला फंदा डालेंगे, सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड फंदा हमारा बुनाई कर लिए, फिर जाली वाला फंदा डालेंगे,
अब देखिए इसे हम सीधा करेंगे और इसे बैक साइड से हम 2 का 1 करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा सेकेंड डिजाइन का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम थर्ड डिजाइन का बनाते हैं, 2 का 1 करेंगे फ्रंट साइड से, जाली वाला फंदा डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनाई करेंगे, इसके बाद जाली वाला फंदा डालेंगे और 2 फंदे हम सीधा करेंगे ऐसे। देखिए 2 का हमने 1 किया और 1 फंदा सीधा और ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया डिजाइन पैटर्न का। अब हम आ गए हैं फोर्थ रो में रॉन्ग साइड। देखिए रॉन्ग साइड में हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स अब हम फिफ्थ रो आ गए हैं राइट साइड। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, फिफ्थ रो में थोड़े से चेंजेस है फ्रेंड। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा नीटिंग किया है। इसके बाद अब यहाँ से हम डिजाइन पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। देखिए जब हम डिजाइन पैटर्न को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट फंदा 1 फंदा सीधा बुनाई करते हैं, इसके बाद ये जो हमारा है थर्ड फंदा ये 2 फंदों के ऊपर से ऐसे स्लिप करते हैं और 1 फंदा नीटिंग करते हैं, इसके बाद जाली वाला फंदा डालते हैं, सेकेंड फंदा नीटिंग करते हैं, इसके बाद 2 फंदे हम 1 2 2 फंदा हम बुनाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये साइड का एड स्टिच है, 3 फंदे हमने जो है फिफ्थ रो में एक्स्ट्रा बुने हैं, इसके बाद इन 6 फंदों में हमने डिजाइन पैटर्न को डाला है। तो हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसी पैटर्न को हम यहाँ रिपीट करेंगे, फर्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे, यहाँ से देखिए थर्ड फंदा हम इसके ऊपर से स्लिप करेंगे 2 फंदों के ऊपर से, और देखिए फर्स्ट फंदे को हम बुनाई करेंगे, जाली वाला फंदा डालेंगे, फिर बुनाई करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद हमारे ये 3 फंदे देखिए 1 2 3 फंदे, ये 4 फंदे हमारे सीधे हो गए और इस साइड का एड स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया है। अब 6th रो देखिए रॉन्ग साइड। देखिए रॉन्ग साइड में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो इसे उल्टा बुनते हुए आप कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये 7th रो आ गया है डिजाइन पैटर्न का। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम 1 2 3, 3 फंदे हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 का 1 करेंगे फ्रंट साइड से, ये ध्यान में रखिए इसे फ्रंट साइड से में 2 का 1 करना है। इसके बाद जाली वाला फंदा डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनाई करेंगे, इसके बाद अगेन जाली वाला फंदा डालेंगे और इन 2 फंदों को हम सीधा करेंगे और फिर लेफ्ट स्लाइप ले लेंगे और देखिए यहाँ से हम बैक साइड से हम इसे बुनाई करेंगे, अगेन 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए हमारा ये 3 फंदा 1 साइड का एड स्टिच है, 3 फंदा एक्स्ट्रा हमने बुना है और 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे में हमारा डिजाइन पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अगेन इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए नेक्स्ट ये 2 फंदे हमारे हैं, इन्हें फ्रंट साइड से हम 2 का 1 करेंगे, जाली वाला फंदा डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनाई करेंगे, जाली वाला फंदा डालेंगे
और देखिए टू फंदे हम सीधा करेंगे, और इसे सीधा करने के बाद हम लेफ्ट सिलाई में लेके इसे बैक साइड से टू का वन कर देंगे, वन फंदा सीधा। इसके बाद थ्री फंदे हमारे एक्स्ट्रा बचे हैं उसे नीटिंग करेंगे, और वन फंदा साइड का एड स्टिच है उसे भी हम सीधा बुन करके कंप्लीट कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा देखिए डिजाइन पैटर्न इतना प्यारा आ रहा है। और देखिए हम अब आ गए हैं एट रो रॉन्ग साइड, इसे उल्टा बुनते हुए फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेना है। ये एट रो है रॉन्ग साइड, इसे हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, इसे आप भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम आपको फर्स्ट रो वन से लेके एट रो तक आप रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन पैटर्न इस तरह बन करके आएगा। चलिए आपको फर्स्ट रो हम रिपीट करके बता दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, वन फंदा सीधा बुनेंगे, और ये थर्ड फंदे को हम टू फंदों को ऊपर से स्लिप करेंगे, और देखिए वन फंदा बुनाई करेंगे, जाली वाला फंदा डालेंगे, फिर वन फंदा बुनाई करेंगे, और फिर इसके बाद टू फंदे सीधा बुनाई करेंगे। अब देखिए फिर अगेन वन फंदा सीधा बुनेंगे, ये थर्ड फंदा टू फंदों को ऊपर से स्लिप करेंगे, वन फंदा हम सीधा बुनेंगे, जाली वाला फंदा डालेंगे, फिर वन फंदा सीधा बुनेंगे, फिर वन फंदा नेक्स्ट सीधा बुनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर फिर अगेन थ्री फंदों का यहाँ पर हम थर्ड फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, और वन फंदा सीधा बुनेंगे, जाली वाला फंदा डालेंगे, फिर वन फंदा सीधा बुनेंगे, और देखिए इसके बाद जो हमारे थ्री फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुन लेते हैं, और इस साइड का एड स्टिच है इसे सीधा। तो फ्रेंड्स हमारा ये रिपीट पैटर्न रो वन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ये डिजाइन इस तरह बन करके आएगा, और पूरी डिजाइन देखिए ये इस तरह आता है। इसे आप फ्रेंड्स बनाइए, आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।